ये खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर अब उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान सड़क किनारे लगने वाली दुकानों के मालिक को नेम प्लेट लगाना होगा। इसके लिए दुकान मालिकों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन भी कराना होगा। स्थानीय प्रशासन ने ये फैसला खाने को लेकर होने वाले विवाद के बाद इसको लिया है। और देखिए, इस विवाद को रोकने के मकसद से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी हलचल तेज, और ये बड़ा फैसला कि आपको नेम प्लेट लगाना होगा। उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के रूट पर किस तरह से नेम प्लेट दुकान के मालिकों को लगाने के लिए कहा गया है, उनका नाम, उनका पता, सारी जानकारी नेम प्लेट पर होनी चाहिए। और अब हरिद्वार में भी ये नियम लागू किया गया है। तो कावड़ मेले पर हरिद्वार में ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। कावड़ मेले की दुकानों में नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और जानकारी भी देनी होगी। और साथ ही साथ ये जो पूरा विवाद चल रहा है किस तरह से खाने को लेकर, उसको कहीं ना कहीं रोकने के मकसद से उत्तराखंड सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। हरिद्वार में ये नियम कानून लागू किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक नेम प्लेट पर सियासत भी जमकर हो रही है। लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाना होगा। कावड़ियों का जो पूरा रास्ता है उसमें आपको, अगर आप अपनी दुकान चलाते हैं तो आपको जानकारी देनी होगी, पता बताना होगा, नाम बताना होगा। और हरिद्वार में भी अब ऐसे ही नियम लागू कर दिए गए हैं। कावड़ मेले में जो दुकान है वहां पर नेम प्लेट लगाना जरूरी है। कावड़ मेले में हरिद्वार में अब योगी मॉडल की ही तर्ज पर ये नियम कानून लागू किया गया है। और देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में जमकर सियासत हुई तो उत्तराखंड से किस तरह की आवाजें उठती हैं। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कावड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे, और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा ऐसा।